हाय गाइस, दिस इज कुणाल सर। स्वागत करता हूं आपका मैं अपने इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में। जैसा कि आप लोग पहले से जान रहे हैं कि सेट थ्योरी का वीडियो लेक्चर सीरीज चल रहा है और आज हम लोग उसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक में चले आए हैं। और आपका नेक्स्ट टॉपिक आज का है ऑपरेशन ऑन सेट्स। हम लोग आज ये सीखेंगे कि सेट में हम लोग अलग अलग ढंग से कैसे उसको ऑपरेट कर सकते हैं और ऑपरेट करने का इसका अपना ऑपरेटिव सिंबल क्या होता है। तो उसी क्रम में मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहले ऑपरेशन के साथ और उसका नाम है यूनियन। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग सीखने वाले हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग दो सेट ले लेंगे। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। ओके, कोई दो सेट्स हम लोग ले लेंगे और अब इसके यूनियन को डिफाइन करने का तरीका क्या है, हम लोग यूनियन को यू सिंबल से इंडिकेट करते हैं। यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाई, ये इसका डिनोटिंग सिंबल हो गया। और डेफिनेशन क्या हो गया, एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब क्या हुआ कि अगर ए और बी कोई दो अलग अलग सेट है, दोनों के पास अपना अलग अलग कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो अगर हम लोग उसके यूनियन को डिफाइन करना चाहते हैं तो यूनियन भी एक तरह का सेट होगा। ए यूनियन भी एक सेट होगा और उस सेट में वैसे वैसे एलिमेंट आएंगे जो इधर ए में है और बी में है और दोनों में। ओके, तो यहां पर ये वर्ड और जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट ए इक्वल्स 1 2 3 4, बी इक्वल्स 2 4 6 8। ओके, ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। सबसे पहले ए लिख लिया, फिर सेट बी को लिख लिया। ओके, अब दोनों को कंबाइन कर दिया, 1 2 3 4 6 8। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 और 4 जो एलिमेंट है वो ए में भी है और बी में भी है, इसलिए हम लोग सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, इसलिए 2 और 4 को एक बार लिखा गया। तो ये ए यूनियन बी का क्या हो गया, रिजल्ट आ गया। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग ए यूनियन बी को एक अलग डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। उस डायग्राम का नाम है वेन डायग्राम। तो चलिए आइए समझते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। ओके, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक बॉक्स बना लिया। इस बॉक्स को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोल रहे हैं। कौन सा सेट बोल रहे हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वैसा सेट होता है जिसके अंदर तमाम सेट्स चले जाते हैं, चाहे वो जो भी सेट। एक सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ किया, इसको सेट ए बोला जा रहा है। एक दूसरा सर्कल ड्रॉ किया, उसको सेट बी बोल रहे हैं। ठीक है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। नाउ वी हैव टू शो, क्या शो करना है यहां पर, कि ए यूनियन बी जो है यहां पर कौन सा एरिया, कौन सा रीजन ऑक्यूपाई कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया, जब भी कभी हम लोग यूनियन फाइंड करेंगे तो ए और बी दोनों को कंबाइन कर देंगे, यानी ए वाले रीजन को भी और बी वाले रीजन दोनों को हम लोग एक साथ सेट करेंगे। तो ये जो सेटिंग रीजन आप लोग देख पा रहे हैं, इस सेटिंग रीजन को हम लोग ए यूनियन बी से इंडिकेट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देख लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका, यूनियन का। यूनियन एक ऑपरेशन है सेट्स का, इसको सीखना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग आएंगे और निकालेंगे सेकेंड, और वो जो सेकेंड ऑपरेशन है उसका नाम है इंटरसेक्शन। क्या नाम है, इंटरसेक्शन। माय डियर, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ओके, चलिए आइए देखते हैं क्या होता। जब भी कभी हम लोग इंटरसेक्शन की बात करते हैं, मतलब कॉमन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कॉमन की बात करेंगे, तो ए और बी में जो जो एलिमेंट कॉमन होंगे वही सब ए इंटरसेक्शन बी में चले आएंगे। तो यहां पर डेफिनेशन में क्या करना है, इस यूनियन के साइन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देना। ये इसका इंटरसेक्शन का साइन है माय डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्या कौन सा साइन है, इसका इंटरसेक्शन का साइन है। और जब भी कभी इंटरसेक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे तो वैसे वैसे एलिमेंट आएंगे जो ए और बी दोनों में होंगे। दैट इज व्हाई वी विल राइट ओवर हियर ए एंड बी, एंड वर्ड यहां चलाएगा। तो चलिए इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों सेट में कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है, वही आंसर होने जा रहा है। तो यहां पर कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 2 4 यहां भी दिख रहा है, 2 4 यहां भी दिख रहा है, क्योंकि 2 4 दोनों में, तो आंसर हो गया 2 कॉमा 4।
ओके फिर से एक बार हम लोग चाहेंगे कि इसको वेन डायग्राम में दिखाएं, तो इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखा पाइएगा, आइए समझते हैं। फिर से एक सेट ए बना लिया, सेट बी बना लिया, यहां पर हम लोग वैसे रीजन को डार्क करेंगे जो रीजन ए और बी दोनों में है, और वो रीजन ये बीच वाला पार्ट है ना जी। ये क्या डिनोट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम है। तो दो ऑपरेशन हो गया, एक यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन। तीसरे की तरफ मूव करते हैं, उसका नाम है डिफरेंस। तो चलिए देखिए थर्ड, थर्ड क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस का मतलब दो सेट में क्या अंतर है ना, क्या अंतर है। इट मींस दैट वी हैव टू फाइंड ए एंड बी का डिफरेंस, जो ए माइनस बी और बी माइनस ए के टर्म्स में होगा। किसके टर्म्स में होगा, ए माइनस बी या बी माइनस ए के टर्म्स में होगा। एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए माइनस बी। चलिए ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। ए माइनस बी, ओके। अब माय डियर स्टूडेंट, आप लोग समझ जाइए ए माइनस बी का मतलब क्या होता है। ए माइनस बी का मतलब होता है ए माइनस बी, मतलब क्या, ए को रहना है, बी को माइनस करना है। इट मींस दैट सेट ए के पास बी का जो जो एलिमेंट है आप उसको माइनस कर दीजिए। फिर से एक बार, सेट ए के पास बी का जो जो एलिमेंट है उसको माइनस कर दीजिए। उसके बाद जो सेट ए में बचा वही ए माइनस बी का रिजल्ट है, वही ए माइनस बी का रिजल्ट है। ए माइनस बी को क्या बोलेंगे, x such that x belongs to a and x does not belong to b। एलिमेंट जो है वो x का ही होगा, b का, सॉरी a का ही होगा, b का नहीं होगा। अगर हम लोग यहां से b माइनस ए निकालना चाहते हैं, देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं ऊपर में, b माइनस ए अगर निकालना चाहते हैं तो b माइनस ए का मतलब होता है x such that x belongs to b। सिंपल मीनिंग वही है कि एलिमेंट b का होगा, a का नहीं होगा। मतलब b माइनस ए, b के पास a का जो भी कुछ है उसको हटाइए, ओके। एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, एक्स ए का नहीं होगा, तो ठीक है नहीं होगा। तो हम लोग एग्जाम्पल फिर से लेते हैं, ए माइनस बी निकालना चाहते हैं। तो ए माइनस बी का मतलब क्या, यहां पे समझिए बहुत ध्यान से, ए माइनस बी का मतलब क्या, ए माइनस बी का मतलब क्या, ए माइनस बी, मैंने आपको क्या बताया, ए के पास जो जो बी का है उसको हटा दो। तो ए के पास बी का क्या है, टू और फोर है, हटा दिया। तो ए में क्या बचा, ए में बचा 1 3, तो 1 3 इसका आंसर नहीं। अगर b माइनस ए निकालना होगा तब क्या करेंगे, तब b के एलिमेंट को पहले लिखेंगे, a के एलिमेंट को बाद में लिखेंगे। अब b के पास जो a का है उसको हटाएंगे और b में जो बचा उसको आंसर कर देंगे, 6 आंसर होगा। बहुत ध्यान से देख लीजिए। अब अगर आपको कोई बोले चलिए भैया आप इसको वेन डायग्राम में दिखाइए, तो a माइनस बी का वेन डायग्राम में दिखा दे रहा हूं। a माइनस बी का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जो a का है b का नहीं है, ये a बोल दिया है, b बोल दिया, तो ये पार्ट सिर्फ a में है, इसका एक भी हिस्सा b में नहीं है। अगर आपको बोला गया कि चलिए b माइनस ए को वेन डायग्राम में दिखाएं, तो b माइनस ए को वेन डायग्राम में दिखाने के लिए पहले ही बना लेंगे, ये a है और ये b है, ये a है और ये b है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, सिर्फ b का हो गया, तो ये b माइनस ए का वेन डायग्राम। माय डियर स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए, कोशिश कीजिए समझने का, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ये सब कंसेप्ट को आप लोग समझ जाते हैं तो फ्यूचर में आने वाले किसी भी प्रॉब्लम का, चाहे वो रिलेशन का हो, फंक्शन का हो, कहीं का भी हो, आप लोग आसानी से डील कर पाएंगे जो ऑपरेशन ऑन सेट के द्वारा हो सकता है। तो तीन अलग अलग ऑपरेशंस को हम लोगों ने देखा। फोर्थ ऑपरेशन नंबर 4, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स के सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग यहां पर समझना चाहेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है समझिए, यहां पर सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है हम लोग यहां पे समझेंगे। चलिए, तो सिमेट्रिक डिफरेंस से हम लोग क्या समझते हैं कि अगर हम लोग ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं, यहां पर ध्यान से देखो, ए और बी का अगर सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं तो ट्राइंगल से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ट्राइंगल से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना जी। किससे डिनोट करते हैं,
ट्राइंगल से। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है कि ए को बी से माइनस कर दो, फिर बी को ए से माइनस कर दो, उसके रिजल्ट में यूनियन निकाल लो। ए को बी से माइनस कर दो, बी को ए से माइनस कर दो, रिजल्ट का यूनियन निकाल लो। तो ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी होता है। माय डियर स्टूडेंट बहुत ध्यान से यहां पे देखिएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस अगर कभी भी दो सेट का हम लोग निकालते हैं तो हम लोग यहां पर वैसा एलिमेंट को निकाल के रखते हैं जो ए और बी दोनों में नहीं है, मतलब उसके कॉमन पार्ट में नहीं, उसके कॉमन पार्ट में नहीं है, उसके कॉमन पार्ट में नहीं है। तो यहां से अगर हम लोग ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी निकालना चाहें तो हम लोगों ने पहले से निकाला ए माइनस बी वन थ्री है, ओके, बी माइनस ए सिक्स एट है, तो इसका अगर यूनियन निकालना तो रिजल्ट क्या होगा, वन थ्री सिक्स एट, वन थ्री सिक्स एट। इस बॉक्स के अंदर वाले रिजल्ट को देखिए, वन थ्री सिक्स एट, वन थ्री ए माइनस बी का रिजल्ट, सिंपल ए माइनस बी का रिजल्ट, बी माइनस ए का रिजल्ट सिक्स एट, दोनों का कॉम्बिनेशन वन थ्री सिक्स एट। फिर से अगर आपको बोला गया कि आप इसका वेन डायग्राम बनाए, इसका ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का, तो इस तरीके से दो अलग अलग सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और यहां पर हम लोग वैसे रीजियन को डार्क करने जा रहे हैं जो वनली ए या वनली बी का है। तो वनली ए वाला पार्ट ये हो गया, वनली बी वाला पार्ट ये हो गया, और बीच वाला यानी कॉमन वाले पार्ट को डार्क नहीं करेंगे, ये इसके रिजल्ट में नहीं आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अलग अलग ऑपरेशंस था सेट का। एक लास्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, इस लास्ट डेफिनेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं उसको कोशिश करेंगे और समझेंगे, ठीक है। वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है जी। क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट? जब भी कभी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया जाता है, मतलब क्लियर है कि उस सेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसके बाहर के बारे में बात कर रहे हैं। इट मींस दैट अगर ए के कॉम्प्लीमेंट को फाइंड कर रहे हैं, ए कोई एक सेट है, तो ए के बाहर कौन कौन सा एलिमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट कैपिटल ए बी एनी सेट कॉमा द कॉम्प्लीमेंट ऑफ कैपिटल ए इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय, डिनोट कैसे करते हैं और इसका डेफिनेशन क्या होता है। ए के ऊपर एक लाइन लिख दो, उसको डैश बोलते हैं, या ए कॉम्प्लीमेंट, ओके, और ए के ऊपर सी लिख दो, पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पढ़ेंगे। इसका डेफिनेशन क्या है? जब भी कभी हम लोग किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं ना, तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, हम लोग हमेशा उसको यूनिवर्सल से माइनस करते हैं, मतलब यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं, यूनिवर्सल माइनस है, ये इसका रूल है। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मान लिया यूनिवर्सल में है वन टू थ्री फोर फाइव, ए में मान लिया वन टू है। चलिए आपको बोला गया कि आप एक कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आपने क्या किया, यूनिवर्सल में से ए को माइनस किया, यूनिवर्सल वन टू थ्री फोर फाइव और ये वन टू, कॉमन वाले पार्ट को कैंसिल कर दिया गया, जो बचा वो आंसर हो गया। फिर से आपको बोला गया कि चलिए आप इसका वेन डायग्राम बनाइए, इसका ए कॉम्प्लीमेंट का, तो मैंने आपको क्या बताया, जो ए में नहीं है वही ए का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ए के बाहर, कहां डार्क करेंगे, ए के बाहर वाले रीजन को सेट करेंगे, ए के बाहर वाले रीजन को सेट करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए और समझिए, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसे समझिए आप लोग, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट ए, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट ए, मतलब जो ए में नहीं है, जो ए का एलिमेंट नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझा। एक और देख लेते हैं, एक छोटा सा डेफिनेशन है, उसका नाम है डिसजॉइंट ऑफ ए सेट। क्या नाम है उसका? डिसजॉइंट सेट्स। तो चलिए डिसजॉइंट सेट को भी देख लेते हैं, डिसजॉइंट सेट को भी देख लेते हैं। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या हुआ? नाम से क्लियर है, डिसजॉइंट मतलब जहां पर आपस में कोई ज्वाइंट ही नहीं है, कोई मिलाप नहीं है, अलग अलग है, कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ए एंड बी आर सेट टू बी क्या? डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट
सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स 5, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। वेन डायग्राम्स के माध्यम से अगर आपको दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? आपने ए बनाया, आपने बी बनाया, दोनों अलग अलग है, दोनों के बीच में कोई ज्वाइंट नहीं है, दैट इज वाई दे आर डिसज्वाइंट सेट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और आप लोगों ने इसे पसंद किया होगा। अगर ये वीडियो समझ आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जहां भी डाउट आपको लगे, किसी तरह का कोई डाउट लगे तो कमेंट कीजिए। माय डियर स्टूडेंट, आई एम रेडी टू आंसर ऑल द कमेंट्स, व्हाट एवर आप लोग इस बॉक्स में देने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए दिस इज कुणाल सर साइनिंग ऑफ, थैंक यू।